हेलो स्टूडेंट्स, इकरा हाई स्कूल ऑनलाइन टीचिंग मेथड स्टैंडर्ड सेकंड यूनिट फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आई रिसाइट दिस पोयम बाय नेम रेन, पोएट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। डियर स्टूडेंट्स, आई विल रीड अलाउड लिसन देन आई विल एक्सप्लेन। The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Once again, listen. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Okay? So, dear students, we feel, we experience rain in which season? Monsoon. ठीक है, so we experience, हम महसूस करते हैं ना बारिश को मानसून सीजन में, अभी जो चल रहा है। So the rain is raining all around. Okay, हर जगह हम देखते हैं बारिश होती है कहीं पे। वो कहाँ पे होती है? It falls on field and tree. ये खेतों में भी गिरती है और झाड़ों पे भी, पेड़ पे भी गिरती है। It rains on umbrellas here. यहाँ पे छाते पे भी गिरती है, लेकिन but it protects us and on the ships at sea. Okay, दरिया में, समंद्रों में, okay, ओशन में जब ships आगे चलते हैं वहाँ पे भी बारिश गिरती है, हर जगह। एंड ब्यूटिफुल पोयम। सो डियर स्टूडेंट्स, If your English is good, you can write some small poems, according to your capacity. You have to write. If your English is good, you can write many poems in such a way. It will develop our language skills. Now here new words you experience here: field, umbrellas, ships. ऐसे आप छोटे स्टैंडर्ड में हो, सेकंड स्टैंडर्ड में हो, सो ऐसे नए नए वर्ड्स को आपको स्पेलिंग और उसका मीनिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। अम्ब्रेला आप जानते हो, छाता, शिप्स आप जानते हो, यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस वर्ड्स। सो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन से दिया है, वेयर डज द रेन फॉल, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स, ये सारे आपको हम पीडीएफ की शक्ल में भेजा है, उसमें आपको नोटबुक में लिखना है, स्कूल में उसको प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे आप देखते हैं काउंटिंग क्लाउड्स है, ये कंप्लीट द स्टोरी है एक छोटी सी। एज वन लिटिल व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, अनदर लिटिल क्लाउड कॉल आउट, कम लेट अस प्ले। ठीक है, यहाँ पे एज वन लिटिल व्हाइट, एक छोटा सा एक क्लाउड है बादल का टुकड़ा, फ्लोटेड इन द स्काई, वो ना बादल तो स्काई में फ्लो होते हैं, आसमान में, एंड वन डे अनदर लिटिल क्लाउड, एक दूसरा क्लाउड उसको कहा कम लेट अस प्ले, वो आपस में कहते चलो हम खेलते हैं। ठीक है, सो ये एक स्टोरी है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, इधर कमिंग टू हियर, सो स्टॉर्म इन द गार्डन। यहाँ पे एक स्टोरी, आई विल रीड अलाउड एंड एक्सप्लेन टू यू। तो क्या लिखा है? स्टॉर्म इन द गार्डन। एक गार्डन में एक स्टॉर्म आ गया, एकदम तूफान आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सुनो सुनो द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंट्स, सडनली देर इज ए स्टॉर्म, ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल अस ऑल सन हर्ड। सुनो सुनो द स्मॉल स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, ये स्नेल था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसके कौन थे फ्रेंड? द एंट्स। सडनली देर इज ए स्टॉर्म, अचानक एक तूफान आ गया, ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड। अब वो माँ के पास दौड़ा और बताया कि जो भी वो देखा है। तो आई विल रीड अलाउड द स्टोरी, तो ये लिसन प्रॉपरली स्टूडेंट्स। सोनू सोनू द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स, दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही सडनली ए ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स, सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्राउस फ्लू पास्ट, का 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 का, ओ बट वेयर वर द एंड, सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक फॉर देम, दे वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट, गो होम सोनू सोनू द एंड्स क्राइड आउट।
हरी हरी योर मदर विल वॉरी सोनू सोनू वेंट टू इज मदर वे शी सैट अंडर स्टोन नियर द बैल अम्मा सेट सोनू सोनू देर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन आई हर्ड द विंड ब्लो 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 ऊ आई सॉ ट्रीज अवे स्वे स्वे शे 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 आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जैक 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 आई हर्ड थंडर रोल 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 गडाम गुडूम गुडाम गुडूम आई हर्ड रेन फॉल 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 सीता सीताल पिठल पिठल सीठल पिठल आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 प्लिप 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 इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू सोनू हैड एवर बीन इन शाय शाय सैक जैक डॉम डूम साय प्लिप And you, do you know what? Sonu Sonu did not get wet. Do you know why? So, dear student, just I have read, you understand, but I will explain. Listen here, students. So, Sonu Sonu the snail was visiting his friends, the ants. तो मैंने अभी जैसा बताया था वो अपने दोस्त को मिलने के लिए गया दे क्लाइम्ड ऑल रूम ओके जो चींटी होती है ना ये स्नेल है तो उसके सब ऊपर चढ़ गए अब वो एक फ्रेंड्स है तो वो सारे उसके ऊपर चढ़ गए और मज़े में एंजॉय कर ही करने लगे दे क्लाइम्ड अंडर ही नीचे भी ऊपर भी सब जगह पे चढ़ गए और क्या कहने लगे ही मस्त अपना एंजॉयमेंट करने लगे सडनली अचानक क्या हुआ ए ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स बादलों के बीच में एक लाइट फटी है वाइट लाइट तेजी से हम देखते हैं ना तूफान आप भी एक्सपीरियंस करते हैं मानसून सीजन में है ना सोनू सोनू क्विकली पुल्ड अप हिज हेड अचानक स्नेल होता है ना तो वो अपनी मुंडी अंदर कर लिया पुल्ड हिज टेल अपनी दुम को घुमा दिया सैट वेरी स्टिल एकदम बिना हले स्टिफ होके बैठ गया घबरा गया ना आउटसाइड द स्काई ग्रीव डार्क एंड द क्रोस फ्ली पास्ट का बाहर में ओके सारा अंधेरा हो गया अंधेरा छा गया ओके जितने भी कागड़े हैं क्रोस है वो उड़ गए आवाज़ करते हुए ओ बट वेयर वर द एंट्स सोनू सोनू स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम अब उसकी चिंता थी क्योंकि उसके फ्रेंड्स थे एंट और देखा अरे ये मेरे फ्रेंड्स एंट्स कहाँ चले गए अपने फीलर्स होते हैं ना उसको फैलाते हुए दे वर हाइडिंग अंडर फ्लावर पॉट अब वो जाके फ्लावर पॉट में छुप गए बचने के लिए गो होम सोनू सोनू द एंट्स क्राइड आउट चिल्लाने लगे चींटी ने सोनू जाओ अपने घर पे चले जाओ हरी जल्दी करो तुम्हारी माँ चिंता में होगी चिंता करेगी योर मदर विल वरी सोनू सोनू वेंट टू हिज मदर वो जल्दी अपनी माँ के पास पहुँच गए सोनू सोनू वेयर शी सैट अंडर ए स्टोन नियर द वेल एक कुएं के पास एक पत्थर के पास वो बैठी हुई थी माँ उसकी अम्मा कहने लगा सेट सोनू सोनू There is a storm in the garden. माँ गार्डन में बहुत बड़ा तूफान आ गया जहाँ मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेलने गया था एंट्स के साथ I heard the wind blow, blow. विंड जो तेज़ हवा बहने लगी आवाज़ करते हुए इस आवाज़ करते चलने लगे I saw trees sway, sway. मैंने झाड़ को ओके झाड़ को एकदम आवाज़ करते हुए घूमते हुए मतलब देखा शश इस तरह से आवाज़ करते देखा इसने एक्सप्रेशन से बता रहा शारी इसकी जो होती है नेक्स्ट आई सॉ लाइटिंग फ्लैश फ्लैश मैंने रोशनी को चमकते हुए देखा और जैक जैक इस तरह की आवाज़ आती है ना उसको इस तरह से अपनी माँ को सोनू सोनू वर्णन करने लगा नेक्स्ट आई हर्ड थंडर रोल 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 थंडर ओके गरजता हुआ बादल मैंने देखा ओके आवाज़ है उसने बता रहा किस तरह की आवाज़ आती ना गुड़ूम गुड़ूम इस तरह की आवाज़ करते हुए बताने लगा आई हर्ड द रेन फॉल जब मैं बारिश बहुत सारी पड़ते हुए देखा ओके उसकी जब आवाज़ आती उसको भी उसकी माँ को एक्सप्रेशन से बताने लगा हम देखते देखो तस्वीर में ओके तो यहाँ पे हम देखते कि पिक्चर में देखो उसकी माँ कितना खुशी से देखती है ना अपने बेटे को जो सारा एक्सप्लेन कर रहा अब ये बच भी गए पत्थर के नीचे सेफ है और इस तरह से ये सब है ओके तो बाद में नेक्स्ट आई हर्ड रेन फॉल
और वाटर ड्रिप ड्रिप, ये सारा उसने वर्णन किया. इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू हैड एवर बीन इन. अब वो बोलता है कि मैं इतना बड़ा तूफान, ये तो बच्चा है तो पहली बार एक्सपीरियंस किया है. ओके, तो एंड डू यू नो वाट, आप जानते हो क्या हुआ? सोनू डिड नॉट गेट वेट. डू यू नो वाई? वो गीला नहीं हुआ, भीगा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? आप बेहतर जानते हो. ओके, सो आई होप यू दिस यूनिट 4 बेट अंडरस्टैंड. थैंक यू स्टूडेंट्स.